हेलो फ्रेंड्स स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ग्रो अप्रेडर पर फ्रेंड्स आज इस वीडियो में एनालाइज करेंगे कि कल निफ्टी फिफ्टी और बैंक निफ्टी किस तरह से परफॉर्म कर सकते हैं देखेंगे आज की परफॉर्मेंस की आज किस तरह से परफॉर्म क्या है क्या सिनेर क्या क्या निकल कर आया है कल ये किस तरह से परफॉर्म कर सकते हैं और क्या क्या टारगेट हमें देखने को मिल सकते हैं सो so फ्रेंड्स इस वीडियो में बने रही और जो लोग इस चैनल पर नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और जो मेरा टेलीग्राम चैनल है अगर आप लर्निंग परपज से ज्वाइन करना चाहते हैं ज्वाइन कर सकते हैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पर मैं कोई भी कॉल पुट या फिर कोई टिप्स अगर प्रोवाइड नहीं करती फ्रेंड्स इस तरह से देखिए इंपॉर्टेंट लेवल जो निकल कर आते हैं निफ्टी फिफ्टी बैंक निफ्टी के वो मैं पोस्ट हूं तो सारी चीजें लर्निंग पर्पज से प्रोवाइड करती हूं तो अगर आपको अपनी लर्निंग स्ट्रॉन्ग करनी है तो आप यह हमारा चैनल ज्वाइन कर सकते हैं और इस टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा तो चलिए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में और एनालाइज करते है सब हैं सबसे पहले यहां पर हम बैंक निफ्टी को So, आप अगर बात करें बैंक निफ्टी की तो देखिए बैंक निफ्टी का जो इंपॉर्टेंट लेवल था 44,655 का लेवल ये हमारा लेवल जो है ब्रेक हो चुका है और ब्रेक होने के बाद आप देख सकते हो यहां पर क्लोजिंग भी हमें मिल चुकी है और यहाँ पर देखिए मार्केट क्या था फिफ्टी एम के ऊपर एक बार मार्केट ने ट्राई किया यहां पर अगर देखे तो सबसे पहले देखिए मार्केट यहाँ ओपन हुआ ये फर्स्ट कैंडल ये रेड कैंडल जो बनी है ये फर्स्ट रेड कैंडल फर्स्ट रेड कैंडल का देखिए लो ब्रेक नहीं किया फर्स्ट कैंडल का हाई ब्रेक किया मॉर्निंग में और एक अच्छा खासा मूवमेंट हमें अपसाइड देखने को मिला हमारे पास जो टारगेट था तो सबसे पहला हमारा टारगेट था फोर्टी फोर सिक्स फिफ्टी फाइव का लेवल इसको ब्रेक करने के बाद क्लोजिंग भी दी लेकिन यहाँ पर सस्टेन नहीं कर पाया और यहाँ से फिर से हमें फॉल देखने को मिला अब यहाँ पर फॉल जो मार्केट ने किया सपोर्ट ले लिया फोर्टी फोर थाउजेंड फोर हंड्रेड अराउंड लेवल कल ही मैंने आपको बताया था यहाँ पर फोर्टी फोर थाउजेंड फोर हंड्रेड का इंपॉर्टेंट लेवल तो देखिए मार्केट ने क्या किया कि यहाँ पर ये आज का लो इसको ब्रेक नहीं किया ऊपर गया यानी अपसेट गया वहाँ से डाउन आया 44,400 का राउंड नंबर इंपॉर्टेंट था यहां पर सपोर्ट बनाया और यहाँ पर क्या था 50 एम 50 फिफ्टी एम के ऊपर धीरे धीरे मार्केट निकलना स्टार्ट किया और यहाँ पर अगर आप देखोगे 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर तो ये मार्केट ने एक रेंज बनाई हुई थी फिर उस रेंज को जब ब्रेक करना स्टार्ट किया तो एक अच्छा खासा मूवमेंट हमें अपसाइड को मिला तो किसने किसने यहां पर ट्रेड को प्लान किया अपसाइड लिए जरूर बताएगा कमेंट बॉक्स में और देखिए मैंने आपको बताया कि जब भी यहां पर फोर्टी का लेवल ब्रेक होगा तो ये क्या करेंगे अपनी पोजिशन को एग्जिट करेंगे यानी कि जो कॉल सेलर होंगे जो कॉल राइटर होंगे जिन्होंने यहाँ पर पोजिशन बनाई होगी वो क्या करेंगे अपनी पोजिशन को एग्जिट करेंगे जिसकी वजह से मूवमेंट क्या आएगा शॉर्ट तो तो अच्छा खासा मूवमेंट हमें हमारे पास जो टारगेट थे लेवल टू लेवल मार्केट ने बहुत अच्छे से वर्क किया है हमारे पास जो टारगेट था एट के आसपास का और यहां पर मार्केट ने जो हाई लगाया वो लगाया फोर्टी फोर अराउंड लेवल तो मार्केट ने आज काफी अच्छा मूव कर दिया है तो चलिए अब देख लेते हैं ये कल ये किस तरह से मूव कर सकता है तो इसे हम यहाँ पर रिमूव कर देते हैं एक सेकंड इसको रिमूव कर देते हैं सारी चीजें तो आप साइड से हमारे पास इंपॉर्टेंट ये वाला लेवल होगा फोर्टी फोर नाइन थर्टीन का लेवल आज का हाई और उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर फोर्टी फोर का लेवल और उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर ये वाला आज का जो मार्केट ने ब्रेकआउट किया है फोर्टी का लेवल ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट होगा यहाँ पर ये क्योंकि पहले इसने क्या काम किया यानी कि अभी तक क्या काम कर रहा था ये रेजिस्टेंस का अब ये हमारे लिए क्या काम करेगा सपोर्ट का अगर डाउन आता है तो इस लेवल से मार्केट क्या कर सकता है सपोर्ट और फिर से मूव कर सकता है आप साइड के लिए इस चीज को ध्यान रखिएगा ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों है 44780 uh, 85 एट्टी एट्टी का लेवल क्योंकि देखिए मार्केट ने क्या किया था इसी लेवल से रिजेक्शन फेस किया और यहाँ से बड़ा फॉल देखने को मिला है तो ये लेवल हमारे लिए क्या था रेजिस्टेंस अब ये हमारे लिए क्या काम करेगा सपोर्ट का अगर डाउन आता है तो अगर मार्केट को बुलिश होना है इस लेवल से सपोर्ट लेके फिर से मूव कर सकता है अगर मार्केट इसको भी ब्रेक कर देता है तो हो सकता है इस लेवल के आसपास पास यानी कि फोर्टी फोर थाउजेंड सिक्स हंड्रेड सिक्सटी सिक्सटी फाइव के आसपास इस लेवल के आसपास आ सकता है और फिर से यहाँ से प्राइजेशन बनाकर मूव कर सकता है अपसाइड लिए अगर मार्केट को बुलिश होना है इस चीज का ध्यान रखेगा अगर मार्केट यहाँ पर इस लेवल को ब्रेक कर देता है डाउन साइड लिए तो फिर से नैरो यहाँ पर क्या हो जाएगा फिर से बेरिश का इस चीज का ध्यान रखेगा क्योंकि हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट क्या था रेजिस्टेंस अब ये हमारे लिए सपोर्ट का, का काम करेगा तो इस चीज़ का यानी कि इन लेवल्स को ध्यान रखेगा ये हमारे दो इंपॉर्टेंट लेवल है एक सेकंड इसको रिमूव कर देती हूँ तो ये दो लेवल हमें देखने को मिल सकते हैं डाउन साइड के लिए चलिए यहाँ पर हम मार्क कर लेते हैं तो एक चीज़ ध्यान रखिएगा फ्रेंड कि जो यहाँ पर अभी जो व्यू बना हुआ है वो बना है बुलिश का तो ये एक हमारे पास हडल होगा यहाँ पर सिक्स फोर्टी फोर फोर्टी फोर सेवन एटी फाइव का लेवल और उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर ये वाला लेवल फोर्टी फोर सिक्स सिक्सटी के आसपास का इस चीज़ का ध्यान रखेगा ये पूरा का पूरा इस जगह का एरिया जो होगा हमारे लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट होगा तो ये दो टारगेट होंगे डाउन साइड के लिए और यहाँ पर अगर इसको भी ब्रेक कर देता है तो नेक्स्ट हमारे ने पास जो लेवल होगा वो हम लेकर चलेंगे फिर डाउन साइड हमारे पास, पास हर्डल्स भी हैं तो यहाँ पर इसको मार्क कर लेती हूँ फोटी फोर फाइव फिफ्टी थ्री के आसपास के लेवल फोर्टी फोर फाइव फिफ्टी थ्री फिफ्टी के आसपास का लेवल होगा यहाँ पर ये तो ये टारगेट में डाउन साइड देखने मिल सकता है अगर मार्केट यहाँ पर प्राइजे बनाकर मूव करता है डाउन साइड ये देखिए फ्रेंड जो मेरा व्यू है मेरा व्यू रहेगा बुलिस क्योंकि देखिए फ्रेंड प्राइजेक्शन यहाँ पर जो अभी बन रहा है वो बन रहा है फिलहाल बुलिश का तो चलिए देखते हैं कल ये किस तरह से परफॉर्म करता है अगर यहाँ पर ओपन होता है इस रेंज के अंदर ओपन होने के बाद अगर यहाँ पर फोटी फोर नाइन थर्टीन का जो लेवल अगर इसको ब्रेक कर देता है क्लोजिंग दे देता है देखिए हमें यहाँ पर क्या चाहिए क्लोजिंग क्लोजिंग देने के बाद रिटेस्ट कर देगा तब हम यहाँ पर प्लान करेंगे अपसाइडली और जो हमारे पास देखिए टारगेट होगा फर्स्ट टारगेट यहाँ पर हम लेकर चलेंगे पास में ही हमारा फोर्टी फाइव थाउजेंड का राउंड नंबर है तो ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा लिए ध्यान रखेगा स्ट्रॉन्ग सॉरी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है 45,000 का राउंड नंबर इंपॉर्टेंट और स्ट्रॉन्ग हर्डल हमारे लिए बन सकता है अगर इसको ब्रेक करेगा तो चलिए यहां पर देख लेते हैं नेक्स्ट क्या टारगेट हमें देखने को मिल सकते हैं एक सेकंड चार्ट को थोड़ा सा सेट कर लेते हैं तो यहाँ पर देखिए जो नेक्स्ट टारगेट होगा वो हम लेकर चलेंगे 45,100 अराउंड लेवल 44,100 अराउंड लेवल होगा क्योंकि देखिए यहाँ पर क्या क्या है रिजेक्शन लिया हुआ यहाँ पर देखिए इस लेवल से रिजेक्शन लिया यहाँ पर रिजेक्शन लिया फॉल मिला इस लेवल से रिजेक्शन लिया यहाँ से फॉल मिला है यानी कि इसके ऊपर देखिए क्लोजिंग नहीं मिल पा रही थी तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट होगा फोर्टी राउंड नंबर इंपॉर्टेंट लेवल है अगर इसको ब्रेक करेगा तो फिर नेक्स्ट यहाँ पर हम जो लेवल लेकर चल सकते हैं वो हम लेकर चलेंगे फोर्टी टू थर्टी का लेवल फोर्टी फाइव टू थर्टी का हमारा नेक्स्ट टारगेट होगा अपसाइड के लिए इस चीज़ का ध्यान रखिएगा यहाँ पर मैं लेवल मार्क कर देती हूँ एक सेकेंड ये हमारा नेक्स्ट टारगेट होगा फोर्टी फाइव वन हंड्रेड अराउंड और उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर फोर्टी फाइव थाउजेंड टू हंड्रेड थर्टी टू का लेवल तो ये तीन टारगेट हमें अपसाइड देखने मिल सकते हैं और ये तीन टारगेट हमें डाउन साइड तो चलिए एक बार यहाँ पर हम टूल यूज़ करते हैं फेडवर्टाजमेंट लेटेस्ट लो और हाई को मार्क करते हैं सबसे पहले यहाँ पर लेटेस्ट ये वाला लो क्योंकि देखिए यहाँ से मार्केट ने फॉल दिखाया है और इस लेवल से बाइंग आई है तो सबसे पहले यहाँ पर हम इसको मार्क कर लेते हैं ये जो स्विंग बनाया है यहाँ पर ये लेटेस्ट लो और यहाँ पर ये हाई और देखिए जीरो पॉइंट फाइव का लेवल और जीरो पॉइंट सिक्स का लेवल जीरो पॉइंट फाइव का लेवल जो अभी मैंने लेवल मार्क किया है यानी कि स्ट्रॉन्ग जो रेजिस्टेंस था जो अब सपोर्ट का काम करेगा क्या काम करेगा फोटी फोर सिक्स फिफ्टी सेवन का लेवल यहाँ पर दिखा रहा है तो हमारे पास वही लेवल था फोर्टी फोर थाउजेंड सिक्स हंड्रेड फिफ्टी फाइव का तो ध्यान रखेगा ये हमारा क्या है जीरो पॉइंट फाइव का लेवल है जीरो पॉइंट फाइव का लेवल है तो अगर मार्केट यहाँ पर डाउन आता है ध्यान रखेगा इस लेवल से क्या कर सकता है सपोर्ट और फिर से मूव कर सकता है आप सेट के लिए तो यहाँ पर आप ये जीरो पॉइंट फाइव का लेवल ध्यान रखेगा अगर इसके नीचे निकल जाता है तो फिर सिनरू यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारे लिए फिर से बेरिश का लेकिन जब तक इस लेवल के ऊपर है सीनरू यहाँ पर क्या बना रहेगा बुलिश का और प्राइजेक्शन भी हमारा क्या होता है बुलिश यहाँ पर देखिए सपोर्ट लिया सपोर्ट लेने के बाद प्राइस अप गया यहाँ पर डाउन आया यहाँ पर ये यह वाला सपोर्ट बना उसके बाद देखिए यहाँ से लगातार बाइंग आई है तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है और प्राइजेक्शन आप देख सकते हो यहाँ पर ये यह बन रहा है अपसाइड लिए तो प्राइस अगर यहां पर डाउन आता है यानी कि इस मूवमेंट का अगर यहाँ पर फिफ्टी आता है डाउन तो हो सकता है प्राइस यहाँ पर क्या करे सपोर्ट बनाए और फिर से मूव करे ये अपसाइड लिए अगर बैंग निफ्टी को बुलिश होना है अगर बेरिश होना है तो हो सकता है प्राइस यहाँ पर डाउन आए उसके बाद थोड़ा सा अप जाए इस लेवल के आसपास रिजेक्शन बनाए और उसके बाद फिर से यहाँ पर फॉल देखने को मिले तो जो मेरा व्यू होगा यहाँ पर मैं जैसे मैंने अभी आपको बताया कि हमारे लिए इंपॉर्टेंट लेवल था रेजिस्टेंस फोर्टी का अगर फोर्टी के नीचे निकलता है तो सुनो मेरे लिए क्या हो जाएगा यहाँ पर बेरिश का जब तक यहाँ पर इसके ऊपर है तब तक मेरे लिए सिनेरियो पर रहेगा बुलिश का तो देखते हैं कल निफ्टी सॉरी बैंक निफ्टी किस तरह से यहाँ पर परफॉर्म करती है और किस लेवल पर ओपन होती है जो भी नए लेवल्स निकल कर आएंगे वो मैं टेलीग्राम चैनल पर पोस्ट कर दूंगी तो चलिए देख लेते हैं हम निफ्टी फिफ्टी को सो so, फ्रेंड यहाँ पर अगर बात करें निफ्टी फिफ्टी की तो देखिए वनडे टाइम फ्रेम पर काफी अच्छी बुलिश कैंडल देखने को मिली है और निफ्टी का जो व्यू है डेली में आपको बता रही कि निफ्टी जो है काफी ज्यादा स्ट्रॉ है अगर आप देखोगे तो लगातार यहाँ पर पांच ग्रीन कैंडल देखने को मिल चुकी है और और काफी अच्छा मूव कर रही है निफ्टी तो निफ्टी का जो सिनेरियो है फिलहाल यहाँ पर बन चुका है बुलिश चलिए मैं आपको दिखा देती हूँ यहाँ पर लेते हैं फिफ्टिटेसमेंट टूल को और ये यह लेटेस्ट यहाँ पर ये यह जो हाई बनाया था और उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर ये यह लेटेस्ट लो इसको अगर हम मार्क करें तो देखिए यहाँ पर जीरो का लेवल जीरो का लेवल गोल्डन रेशियो और यहाँ पर जीरो का लेवल क्या था 19,600 का राउंड नंबर तो ये हमारा 0.5 पॉइंट का लेवल ब्रेक हो चुका है और फाइनली यहाँ पर 0.6 का जो लेवल है इसके ऊपर मार्केट ने क्लोज कर दिया है तो स्नेरो यहाँ पर क्या बन चुका है निफ्टी में निफ्टी में स्नेरो फिलहाल बन चुका है बुलिश का अब हम यहाँ पर पूरी तरह से निफ्टी में क्या है बुलिश है बेरिश नहीं है बेरिश हम कब होंगे जब यहाँ पर जीरो का लेवल ब्रेक होगा यानी कि सिक्स का राउंड नंबर जो है अगर इसके नीचे क्लोजिंग देने लग जाएगा तो फिर स्नेरो यहाँ पर क्या हो जाएगा बेरिश का इस चीज़ का ध्यान रखिए चलिए हम चलते हैं यहाँ पर फिफ्टीन मिनट के टाइम फ्रेम पर और कल के लिए लेवल्स को मार्क कर लेते हैं चार्ट को एक, एक सेकंड कर लेते हैं यहाँ पर सेट तो देखिए फ्रेंड जिस तरह से कल हमने एनालाइज किया था और टेलीग्राम चैनल पर भी मैंने लेवल पोस्ट किए थे तो देखिए यहाँ पर ये इम्पोर्टेंट लेवल था इसको ब्रेक किया देखिए यहां पर सबसे पहले मार्केट ने क्या किया डाउन आया और कल मैंने आपको बताया था कि अगर यहाँ पर निफ्टी थोड़ा सा डाउन आए डाउन आने के बाद अगर सपोर्ट बना के फिर से मूव करे तो एक अच्छा मूवमेंट देखने को मिल सकता है तो देखिए इसी लेवल के आसपास यानी कि यहाँ पर ये यह जो कल का हाई था इसी के आसपास आया रिजेक्शन फेस किया फिर से थोड़ा सा डाउन आया यानी कि यहाँ पर जो मॉर्निंग का लो था इसको ब्रेक नहीं किया डाउन आया फिर से सपोर्ट लिया और एक लेवल मैंने ड्रॉ किया था टेलीग्राम चैनल पर भी पोस्ट किया था यहाँ पर ये वाला लेवल इसी के आसपास आया सपोर्ट बनाया और धीरे धीरे करके मूव किया अपसाइड ब्रेकआउट किया रिटेस्ट किया और एक अच्छा खासा मूवमेंट हमें अपसाइड देखने को मिला हमारे पास क्या बदलते तुम्हारे पास यहाँ पर 1600 uh, 19680 का लेवल था और उसका नेक्स्ट यहाँ पर 700 का राउंड नंबर था और उसके बाद कल uh, कल के एलसी में मैंने आपको बताया कि Uh, यहाँ पर नाइनटीन थाउजेंड सेवन ट्वेंटी के आसपास का लेवल दिखा सकता है तो आप देख सकते हो कि किस तरह से मार्केट ने काफ़ी अच्छा मूव किया अपसेट और जो टारगेट था वो यहाँ पर डन हुआ तो निफ्टी तो आप देख सकते हो कि किस तरह से बिहेव कर रही है तो निफ्टी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है चलिए यहाँ पर हम कल के लिए लेवल को मार्क कर लेते हैं तो इसको कर देते हैं रिमूव और यहाँ पर कल के लिए हमारे पास जो इंपॉर्टेंट है यहाँ पर ये वाला लेवल होगा और डाउन साइड से यहाँ पर एक ये वाला हर्डल बनेगा नाइनटीन थाउजेंड सेवन हंड्रेड एलेवन का लेवल और उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर अगर बात करें तो सपोर्ट यहाँ पर Uh, 19,640 का एक हमारे पास लेवल होगा यहाँ पर ये कि मार्केट ने इसको ब्रेक करने के बाद सपोर्ट बनाया है तो एक ही हमारे पास स्ट्रॉन्ग स्ट्रोंग ध्यान रखेगा इस्ट्रॉन्ग लेवल है 640 का अब बीच में अगर हम हेडल को मार्क करें तो यहाँ पर ले लेते हैं ब्लैक लाइन तो देखिए यहाँ पर इस कैंडल का लो ये हमारे लिए इम्पॉर्टेंट बन सकता है यहाँ पर देखिए नाइन्टीन का लेवल आ रहा है और अभी जो कल मैंने आपको लेवल दिया था वो था 80 का लेवल तो ध्यान रखेगा 80 85 के आसपास का ये हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट बन सकता है तो अगर प्राइस यहाँ पर ओपन हो जाता है इस रेंज के अंदर ओपन होने के बाद इस लेवल को ब्रेक करेगा ब्रेक करने के बाद अगर डाउन आ रहा है तो एक ही हमारे पास इंपॉर्टेंट लेवल होगा अगर इसको ब्रेक करेगा यानी कि प्राइजेशन बनाकर अगर मूव कर डाउन साइड के लिए तो नेक्स्ट यहाँ पर नाइनटीन का लेवल हमें देखने को मिल सकता है डाउन साइड के लिए तो इस लेवल के आसपास का टारगेट दिखा सकता है डाउन साइड के लिए तो यहाँ पर लेवल को मार्क कर देते हैं तो ये हमारे लिए फर्स्ट टारगेट होगा यहाँ पर ये यह हमारा फर्स्ट टारगेट होगा अगर इसको ब्रेक करेगा तो सिक्स के आसपास का टारगेट दिखा सकता है और यहाँ पर 50 ईम को भी ध्यान रखेगा सपोज अगर 50 एम इस एरिया के आसपास आ जाता है और प्राइस अगर यहाँ पर डाउन आता है तो 50 ई को ध्यान रखेगा अगर 50 ए एम और इस लेवल के आसपास से फिर से सपोर्ट बना रहा है मार्केट तो फिर से मूव कर सकता है अपजैटली अगर मार्केट को बेरिश होना है तो देखिए फिफ्टी ई और इस लेवल को अगर ब्रेक कर देता है तो सिलेवल यहाँ पर क्या हो जाएगा बेरिश का जब तक यहाँ पर इसके ऊपर है यानी कि इन लेवल्स के ऊपर है जो आज इसने रेजिस्टेंस को ब्रेक किया है जब तक इसके ऊपर है तब तक सिनेरियो यहाँ पर क्या रहेगा हमारे लिए बुलिश का तो इन दो लेवल्स को ध्यान रखेगा डाउन साइड लिए अब हम बात करें यहाँ पर अगर के लिए लिए तो चलिए पर लिए लेवल को मार्क कर लेते हैं तो अपसाइड अगर यहाँ पर आ, कल नाइनटीन थाउजेंड सेवन थर्टी सेवन का लेवल अगर ब्रेक कर देता है क्लोजिंग दे देता है तो जो नेक्स्ट टारगेट होगा चलिए यहाँ पर हम देख लेते हैं कि क्या है नेक्स्ट टारगेट तो नेक्स्ट हमारे पास जो लेवल निकल कर आ रहे हैं यहाँ पर सबसे पहले ये वाला एरिया निकल कर आ रहा है यहाँ पर ये नाइनटीन का लेवल नाइन्टीन का टारगेट होगा अगर इसको ब्रेक कर देगा तो नेक्स्ट यहाँ पर ये वाला हाई इस हाई के आसपास का स्नेर दिखा सकता है यहाँ पर यानी कि 19,780 के आसपास का लेवल 19,780 का लेवल तो ये टारगेट हमें अपसाइड देखने को मिल सकता है अगर इसको भी ब्रेक करेगा तो फिर देखिए नेक्स्ट यहाँ पर फिर हमारे पास एट हंड्रेड का राउंड नंबर आ जाएगा फ्रेंड तो राउंड नंबर को हम मार्क कर लेते हैं तो ये तीन टारगेट हमें अपसाइड देखने को मिल सकते हैं चलिए यहाँ पर मैं मार्क कर देती हूँ और फिलहाल जिस तरह से निफ्टी मूव है तो हो सकता है यहाँ पर जो है एट हंड्रेड का जो राउंड नंबर है वो हमारा यहाँ पर अचीव हो यहाँ पर ये फर्स्ट टारगेट सेकेंड टारगेट और उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर ये एट हंड्रेड का राउंड नंबर तो ये तीन टारगेट हमें अपसाइड देखने मिल सकते हैं और ये दो टारगेट डाउन साइड अब देखिए फिर यहाँ पर जो मेरा व्यू रहेगा कि अगर मार्केट यहाँ पर ओपन हो जाता है ओपन होने के बाद अगर डाउन आता है तो देखिए डाउन साइड लिए थोड़ा सा ट्रेड मुझे लगता है कि रिस्की रहेगा अगर डाउन आता है इस एरिया के आसपास हो सकता है मार्केट यहाँ पर सपोर्ट बनाए और फिर से मूव करें अपसाइड लिए तो इस चीज़ का ध्यान रखेगा ये सपोर्ट का एरिया है हमारे पास उसका यहाँ पर ये वाला एरिया सपोर्ट का है तो अगर यहाँ पर डाउन आता है सपोर्ट बना रहा है तो फिर से आप क्या कर सकते हो यहाँ पर अपसाइड का ट्रेड प्लान कर सकते हो और ये टारगेट हमें फिर से देखने को मिल सकते हैं तो चलिए यहाँ पर हम फेडवर्टाइसमेंट टूल को ले लेते हैं और आज का हाई और लो मार्क करते हैं सबसे पहले यहाँ पर लेटेस्ट ये लो बनाया था मार्केट ने और यहाँ पर ये लेटेस्ट हाई बनाया है तो देखिए यहाँ पर 0.5 पॉइंट फाइव लेवल कहाँ पर है 19,643 के लेवल पर यानी कि अभी हमने जो लेवल निकाला है प्राइजेक्शन अकॉर्डिंग और इम्पोर्टेंट लेवल उसी के आसपास हमारा क्या है जीरो का लेवल है तो ध्यान रखेगा मार्केट अगर डाउन आता है तो जीरो के लेवल के आसपास से और यहाँ पर क्या होगा फिफ्टी एम तो इन दोनों के आसपास से मार्केट क्या कर सकता है फिर से सपोर्ट और फिर से मूव कर सकता है अपसाइड अगर इनके नीचे निकलना स्टार्ट कर देगा तो स्नैरू यहाँ पर क्या हो जाएगा बेरिश का और अगर यहाँ पर एक स्टेप और अप करें यहाँ पर ये वाला यहाँ से ये तो देखिए जीरो का लेवल नाइन्टीन थाउजेंड के आसपास है तो बीच में एक हडल यहाँ पर ये बन सकता है चलिए यहाँ पर फिलहाल मैं मार्क कर देती हूँ क्योंकि 0.5 पॉइंट का लेवल आ रहा है यहाँ पर ये लेवल नाइन्टीन थाउजेंड के आसपास का लेवल तो एक लेवल यहाँ पर ध्यान रखेगा क्योंकि हमारा जीरो पॉइंट फाइव का लेवल है बीच में एक हड़ल बन सकता हो सकता है प्राइस यहाँ पर इस लेवल के आसपास है यहां से सपोर्ट ले और फिर से मूव करें तो इस चीज का ध्यान रखेगा यहां पर जो मैंने लेवल मार्क करे हैं आपको काम करना है लेवल टू लेवल तो फ्रेंड ये था निफ्टी फिफ्टी के लिए चलिए हम देख लेते हैं कुछ स्टॉक्स को सो फ्रेंड्स सबसे पहले हमारा जो स्टॉक है वो एच डी बैंक एच बैंक ने काफी अच्छा मूवमेंट दिखाया है अपसाइड के लिए और 1600 का जो राउंड नंबर था इसको भी ये ब्रेक कर चुका है और देखिए यहाँ पर 1615 के आसपास एक लेवल है इसके आसपास क्लोजिंग करिए तो कल अगर यहाँ पर ओपन होता है ओपन होने के बाद अगर सिक्सटीन हंड्रेड का लेवल है अगर इसको ब्रेक कर देता है क्लोजिंग दे देता है तो जो नेक्स्ट टारगेट होगा वो होगा सिक्सटीन अगर इसको ब्रेक करेगा तो सिक्सटीन हंड्रेड का लेवल भी दिखा सकता है आने वाले दिनों में लेकिन अगर यहाँ पर डाउन आता है जिस तरह से अभी क्या किया जो है एक रेंज बनाई हुई है अगर यहाँ पर डाउन आता है तो देखिए सिक्सटीन के का लेवल है तो इस लेवल के आसपास आ सकता है और फिर से सपोर्ट लेके फिर से मूव कर सकता है क्योंकि यहाँ पर प्राइजेशन देखें तो प्राइजेशन यहाँ पर क्या बना हुआ है आप यहाँ पर क्या बना रहा है लिए बैंक में आप लिए तो इस चीज का ध्यान रखिएगा यहाँ पर इंपॉर्टेंट लेवल है सिक्सटीन हंड्रेड थ्री का लेवल अगर इसको ब्रेक कर देता है क्लोजिंग दे देता है तो नेक्स्ट यहाँ पर जो डाउन साइड का जो मूव होगा यानी कि जो टारगेट होगा वो लेकर चलेंगे सिक्सटीन हंड्रेड सॉरी फिफ्टीन हंड्रेड नाइन्टी थ्री के आसपास और यहाँ पर ध्यान रखेगा फिफ्टी ए को तो हो सकता है प्राइस अगर यहाँ पर डाउन आता है तो फिफ्टी एम ए के आसपास से आकर सपोर्ट लेके फिर से मूव कर सकता है अपसाइड लिए तो एस डी एफ सी बैंक में जो फिलहाल मेरा जो सिनेरियो है जो व्यू है वो बन रहा है अपसेट के लिए तो चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट नेक्स्ट हमारे पास है आईसीआईसीआई बैंक इसने भी काफी अच्छा मूवमेंट दिखाया है आज और यहाँ पर देखिए इसके लिए क्या हर्डल्स है तो यहाँ पर अभी देखिए ये वाला हडल है इसी के आसपास देखिए रिजेक्शन फेस के है और यहाँ पर डाउन आया और देखिए यहाँ पर क्या है फिफ्टी एम है में। तो अगर कल यहाँ पर ओपन हो जाता है ओपन होने के बाद अगर फिर से मूव करता है अपसेट तो देखिए ये इस वाले हर्डल को ध्यान देगा नाइन फिफ्टी नाइन सेवेंटी का लेवल अगर इसको ब्रेक कर देता है क्लोजिंग दे देता है तो नेक्स्ट यहाँ पर हमारे पास जो टारगेट होगा वो लेकर चलेंगे नाइन सेवेंटी का लेवल और उसके बाद एक छोटा सा हर्डल बन रहा है नाइन के लेवल तो इसके आसपास का टारगेट दिखा सकता है आई बैंक लेकिन अगर डाउन आता है और फिफ्टी ए में और यहाँ पर अगर बात करें तो फाइव फिफ्टी नाइन के आसपास का लेवल है अगर इसको ब्रेक कर देता है तो नेक्स्ट यहाँ पर जो स्नेरो uh, मिलेगा डाउन साइड लिए यानी कि जो लेवल होगा वो हम लेकर चलेंगे यहाँ पर इसके आसपास नाइन फिफ्टी नाइन सॉरी नाइन फिफ्टी फाइव के आसपास का लेवल है उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर नाइन फिफ्टी टू के आसपास का भी लेवल दिखा सकता है डाउन साइड के लिए अब नेक्स्ट हमारे पास जो स्टॉक है वो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी कि एस बी आई एस बी आई ने भी काफ़ी अच्छा मूव किया है एक सेकेंड एक सेकेंड तो एस ने भी जो है काफ़ी अच्छा मूवमेंट दिखा दिया और देखिए एस को अगर दिखाऊं तो यहाँ पर देखिए एस का चार्ट काफ़ी दिनों से एक रेंज के अंदर मूव कर रहा है यहाँ पर देखिए अगर देखें तो ये एक रेंज बनी हुई है जिसके अंदर ये मूव कर रहा है तो अब यहाँ पर इसने क्या किया है जो रेस्टोरेंट से इसी के आसपास आके क्लोज़ किया है तो कल अगर यहाँ पर मूव करता है एक सेकेंड तो कल अगर यहाँ पर ये यह मूवमेंट दिखाता है और 582 का लेवल है अगर इसको ब्रेक कर देता है क्लोजिंग दे देता है तो जो नेक्स्ट टारगेट होगा वो हम लेकर चलेंगे 585 का लेवल उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर 588 का लेवल भी दिखा सकता है अपसाइड के लिए लेकिन अगर देखिए यहाँ पर अगर डाउन आता है क्योंकि देखिए लगातार यहाँ पर अगर आप देखोगे तो लगातार ग्रीन कैंडल देखने को मिली है तो प्राइस अगर थोड़ा सा डाउन आता है डाउन आने के बाद अगर फिर से मूव करता है यानी कि इस एरिया के आसपास सपोज अगर इस एरिया के आसपास आ जाता है तो बहुत अच्छा है कि इसके आसपास आए यहाँ पर सपोर्ट बनाए और फिर से मूव करें ये अपसाइड लिए तो हमारे पास ये वाला अच्छा लेवल होगा फाइव एटी टू का लेवल उसका नेक्स्ट यहाँ पर फाइव एट्टी फाइव और एट्टी एट का लेवल भी दिखा सकता है यहाँ पर अगर ये जो कैंडल है अगर इस जगह के आसपास जो है रेंज बना लेता है रेंज बनाने के बाद अगर ब्रेक करता है तो हमें ये टारगेट देखने को मिल सकते हैं तो सर यहाँ पर जो बन रहा है फिलहाल बन रहा है आप सेट के लिए लेकिन देखते हैं यहां पर ये कल किस तरह से परफॉर्म करता है अगर डाउन फाइव सेवेंटी का लेवल है अगर इसको ब्रेक कर देता है क्लोजिंग दे देता है तो स्नेर यहाँ पर फिर से क्या हो जाएगा डाउन और नेक्स्ट यहां पर हमारे पास 571 का लेवल भी दिखा सकता है अगर यहां पर ये यह डाउन आता है तो देख लेते हैं नेक्स्ट नेक्स्ट हमारे पास है एक्सिस बैंक तो एक्सिस बैंक देखिए अपने इसका जो रेजिस्टेंस इसी के आसपास जो है यहां पर रिजेक्शन फेस किया और यहां पर इसी के आसपास क्लोजिंग करी है तो अगर कल यहाँ पर ओपन हो जाता है ओपन होने के बाद नाइन सेवेंटी एट का लेवल है अगर इसको ब्रेक कर देता है क्लोजिंग दे देता है तो जो नेक्स्ट टारगेट होगा वो लेकर चलेंगे नाइन एट्टी फाइव का और उसका नाइन नाइनटी लेवल नाइन हंड्रेड नाइन्टी का लेवल भी दिखा सकता है आपसाइट लिए लेकिन अगर यहाँ पर रिजेक्शन फेस करता है डाउन आता है तो ध्यान रखेगा यहाँ पर फिफ्टी ई है और नाइन का लेवल इसके आसपास आता है हो सकता है यहाँ पर सपोर्ट बनाए और फिर से मूव करें ये आपसाइट लिए तो उसने यहाँ पर जो फिलहाल मेरे लिए जो बन रहा है वो बन रहा है आपसाइड लिए लेकिन अगर नाइन का लेवल अगर ब्रेक कर देता है रिटेस्ट करता है तो फिर से यहाँ पर हमें जो है फॉल देखने को मिल सकता है जो लेकर आ सकता है हमारे पास जो लेवल होगा नाइन सिक्सटी एट का लेवल हो उसके बाद नेक्स्ट यहां पर 965 के आसपास का भी लेवल दिखा सकता है एक्सिस बैंक सो so, फ्रेंड ये थे स्टॉक्स अगर आपको स्टॉक्स में ट्रेड करना है तो कल आप इन स्टॉक्स को देख सकते हो जिसमें भी आपका रिस्क रिवॉर्ड बने आप उसमें ट्रेड को प्लान कर सकते हो तो देखते हैं कल निफ्टी फिफ्टी और बैंक निफ्टी किस लेवल पर ओपन होते हैं जो जिस भी लेवल पर ओपन हो फ्रेंड्स तो देखिए सोच समझ ही ट्रेड को प्लान करेगा आज के प्रॉफिट को कल लॉस में कन्वर्ट मत करेगा तो देखते हैं कल किस तरह से मार्केट बिहेव करता है और जो भी नए लेवल्स निकल कर आएंगे वो मैं टेलीग्राम चैनल पर पोस्ट कर दूंगी और जरूर बताएगा कमेंट बॉक्स में कि किसने कितने पॉइंट कैप्चर करे निफ्टी फिफ्टी और बैंक निफ्टी में तो चलिए इस वीडियो एंड वीडियो वीडियो पसंद तो को लाइक जरूर करिएगा और जो भी आपके सवाल है उन्हें कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक लिए गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग